अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शाइस्ता और आप देख रहे हो इनायास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूं मेयोनेज व्हाइट सॉस पास्ता, जो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेयोनेज व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को उबाल के लेंगे। यहाँ मैंने पानी आधा बगुला रखा है उबालने के लिए। यहाँ पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है। अब उसमें एक टीस्पून नमक डालेंगे, उसी के साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें दो कप पास्ता डालेंगे। इसको चार से पांच मिनट पकने देंगे। पास्ते को मैंने चार से पांच मिनट पका के ले लिया है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ मैंने ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है सादा, उसमें डाल देंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि पास्ता एक दूसरे में चिपके नहीं है और ओवर कुक भी ना हो। पास्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें एक स्लैब बटर डालेंगे। इसे गर्म करके लेंगे। बटर गर्म होने के बाद उसमें लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दो टेबलस्पून लहसुन लिया है, जिसे बारीक काट के लिया है। ये डाल के एक मिनट के लिए भून के लेंगे इसे। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे बारीक चॉप करके लिया है। ये डाल के दो से तीन मिनट भून के लेंगे। प्याज को यहाँ पे ज्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद इसमें हरी मटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप हरी मटर लिया है, ये डालेंगे। आप इसकी जगह पे शिमला मिर्च, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हो और स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ ही इसमें 1/4 कप पानी भी डालेंगे ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मटर को भी मैंने दो से तीन मिनट अच्छे से भून के ले लिया है। मटर भी सॉफ्ट होने लगी है। अब उसमें दो टेबलस्पून मैदा डालेंगे। इसको दो से तीन मिनट अच्छे से भून के लेंगे। यहाँ मैदे को भी मैंने अच्छे से भून के ले लिया है। इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ दूध ऐड नहीं करना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। एक कप दूध डाल के मैंने मिक्स करके लिया है। अब दूसरा कप दूध डालेंगे। अच्छे से चला के लेंगे। एक उबाल आने देंगे इसमें। देखिए एक उबाल आने के बाद ये कितना ज्यादा गाढ़ा होने लगा है। अब उसके बाद ये जो मैंने पास्ता लिया था, इसको मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करके लेंगे अच्छे से। अब उसमें एक ग्लेस मेयोनीज डालेंगे, 3 टेबलस्पून के करीब डालेंगे इसमें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मेयोनीज डालने के बाद उसमें 1/4 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से हल्के हाथों से मिला के लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बोल में निकाल के लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स डाला है। तो तैयार है हमारा मेयोनीज व्हाइट सॉस पास्ता, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन गया। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वन टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।